Hello everybody, I am Dr. Madhulika Mandal from ICARE Hospital, Noida. Aaj hum discuss karenge, we'll basically talking about and just like an introductory session about glaucoma. Glaucoma ya kala motiya jise hum hindi mein kehte hain, wo ek optic nerve ki disease hai. Optic nerve hamari aankhon mein ek wo structure hoti hai jo hamari eyes ko hamare brain se connect karti hai. Jaise ki aap is figure mein dekh sakte hain, ये हमारी आँखों का स्ट्रक्चर है और ये वो ऑप्टिक नर्व है जो हमारी आँख को ब्रेन से कनेक्ट करती है. ग्लॉकोमा में इस ऑप्टिक नर्व की एक ग्रेजुअल इसमें डिजीज शुरू होती है जिसकी वजह से देखने का दायरा धीरे धीरे कम होने लगता है. इसीलिए हम इसे साइलेंट किलर या साइलेंट थीफ भी कहते हैं, क्योंकि ये इनिशियली कोई भी सिम्टम या मरीज को कोई भी दिक्कत इनिशियली नहीं देती है. इसीलिए इसको एक साइलेंट या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज भी कहते हैं. ग्लॉकोमा में अक्सर हम कॉमनली ये क्वेश्चन सुनते हैं कि किन लोगों को ग्लॉकोमा होने का ज़्यादा चांस या ज़्यादा रिस्क है. तो सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर हम मानते हैं वो होता है एज. जैसे मोस्टली ओल्ड एज में ग्लॉकोमा ज़्यादा देखा जाता है. एक खास तरह का ग्लॉकोमा पैदाइशी या कम एज के लोगों में भी मिलता है, जिसे हम कंजनाइटल या डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा कहते हैं. वो एक अलग ही कैटेगरी है, बट ज़्यादातर ग्लॉकोमा उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है विच हुआ मोर देन 40 to 50 ईयर्स ऑफ एज. दूसरी चीज़ जो होती है, जो लोग बचपन से या कम उम्र से माइनस नंबर या प्लस नंबर का चश्मा, हाई माइनस या हाई प्लस का पहनते हैं, वो भी एट रिस्क होते हैं. तीसरा बहुत कॉमन रीज़न है पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होना. अगर परिवार में किसी का ग्लॉकोमा है तो काफ़ी हद तक चांस होता है कि रिस्क 8 to 10 फोल्ड कई गुना बढ़ जाता है ग्लॉकोमा होने का. और दूसरे कुछ रिस्क फैक्टर्स जो कि ग्लॉकोमा के डिजीज से ज़्यादा ग्लॉकोमा के प्रोग्रेशन या उसके बढ़ने को गवर्न करते हैं, वो होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का होना या हार्ट डिजीज़, कोई भी कोलेस्ट्रॉल हाई होना या कोई भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो फाइनली हमारे ऑप्टिक नर्व की ब्लड सप्लाई को भी अफेक्ट करती है. ग्लॉकोमा कई तरह के होते हैं. प्राइमरली हम दो तरह के ग्लॉकोमा को डिस्कस करते हैं, जिसे हम ओपन एंगल कहते हैं या एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा कहते हैं. अब एंगल क्या होता है? हमारी आँखों में जैसे आंसू होते हैं जो बाहर बनते हैं और बाहर के ही रास्ते से निकल जाते हैं, वैसे एक अंदरूनी पानी के चलने का भी रास्ता होता है. अब ये अंदरूनी पानी चलने का रास्ता अगर नेचुरली एज के साथ किसी का ब्लॉक हो जाए कम्प्लीटली या इनकम्प्लीटली, तो उन लोगों में जब ये पानी का बहाव बाहर की तरफ ईजिली या कम्फर्टेबली नहीं होगा, तो वो आँख के अंदर के प्रेशर को बढ़ा सकता है. उस स्थिति में जो ग्लॉकोमा होती है उसे हम एंगल क्लोजर ग्लॉकोमा कहते हैं. एक दूसरे तरीके का ग्लॉकोमा होता है जिसे हम ओपन एंगल कहते हैं, जिसमें ये एंगल तो खुला होता है बट इसमें काफ़ी रुकावटें होती हैं, उसकी वजह से भी प्रेशर बढ़ सकता है. तो ये दो तरह के प्राइमरली ग्लॉकोमा है. एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट या मिथ कह सकते हैं, बहुत कॉमनली हम देखते हैं जिसमें कहते हैं कि ग्लॉकोमा का मतलब होता है हाई प्रेशर. तो एक खास प्रकार का ग्लॉकोमा जिसे हम नॉर्मल टेंशन या लो टेंशन ग्लॉकोमा भी कहते हैं, उसमें नॉर्मल प्रेशर पे भी ग्लॉकोमा हो सकता है. इसीलिए प्रेशर का मतलब ग्लॉकोमा नहीं होता है. हाई प्रेशर होने से डेफिनेटली रिस्क हो सकता है, बट प्रेशर इज नॉट ग्लॉकोमा. अब कॉमनली जो हम जिस तरह से इसका क्लिनिक्स में इवैल्यूएट करते हैं, तो कुछ टेस्ट हम करते हैं सारे मरीजों में जिससे हम ग्लॉकोमा के डायग्नोसिस तक पहुँच सकते हैं. पहली चीज़ तो हम आँखों का प्रेशर नापते हैं, ठीक है, जिसमें एक एप्लिनेशन टोनोमेट्री गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है, जो इसी मशीन स्लिट लैंप जो ये लगी है इसी में ब्लू फिल्टर की मदद से हम प्रेशर लेते हैं, उसे हम एप्लिनेशन टोनोमेट्री कहते हैं. दूसरा टेस्ट जो हम करते हैं वो देखने के लिए कि किस तरह का ग्लॉकोमा है, कि एंगल खुला है कि बंद है, दैट इज़ नोन एज गोलियोस्कोपी. तो वो गोलियोस्कोपी करके हम एक एंगल एक छोटे से मिरर से करते हैं, जिससे हमें ये आइडिया होता है कि एंगल खुला है कि बंद है. तीसरी चीज़ जो हम करते हैं उसे हम कहते हैं फील्ड टेस्ट, क्योंकि ग्लॉकोमा में सबसे पहले देखने का दायरा, फंक्शनल लॉस में देखने का दायरा कम होने लगता है. तो इस दायरा को नापने की जो पद्धति है उसे हम फील्ड टेस्ट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास हमफ्रीज की जो गोल्ड स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है वो मशीन अवेलेबल है. चौथी चीज़, कुछ एडवांस्ड ग्लॉकोमा के टेस्ट होते हैं जो कि अर्ली
या ग्लॉकोमा का बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो उन टेस्ट में से एक टेस्ट है ओसीटी, जिसे हम ऑप्टिकल कोहरेंस टोमोग्राफी कहते हैं, दूसरा है एचआरटी, जिसे हम हिडलबर्ग्स रेटिनल टोमोग्राफी कहते हैं, और तीसरा होता है जीडीएक्स, जो हमारा नर्व एनालाइजर कहलाता है। ये तीन एडवांस टेस्ट हैं जो कि अर्ली ग्लॉकोमा के डिटेक्शन में हेल्प करता है। बट एक बेसलाइन क्रिएट करने के लिए सबसे ज़रूरी हमारे पास प्रेशर चेक, दूसरा फील्ड्स चेक, और तीसरा अगर अवेलेबल है तो ये हम हायर टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ग्लॉकोमा के ट्रीटमेंट के लिए अगर एंगल क्लोजर है तो एक लेज़र की सबसे पहले सलाह दी जाती है, जिसे हम पानी के चलने का एक ऑल्टरनेट या दूसरा रास्ता क्रिएट करते हैं लेज़र की लाइट की द्वारा। दूसरी चीज़, ग्लॉकोमा का मैक्सिमम मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट होता है, जिसमें हम दवाओं से उस डिजीज़ को वहीं पर रोकने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर ग्लॉकोमा एडवांस हो जाए या दवाओं से इसका प्रेशर कंट्रोल ना हो रहा हो, या ग्लॉकोमा डिजीज़ बढ़ते हुए नज़र आ रही हो, या किसी भी कारणों की वजह से मरीज दवाई नहीं डाल सकता हो, उस केस में हम ग्लॉकोमा सर्जरी का सजेशन देते हैं, जिसे हम ट्रेबिकलेक्टोमी कहते हैं।